नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं BGMI की मैपिंग के बारे में। अगर आप लोगों को नहीं पता कैसे डाउनलोड इंस्टॉल वगैरह करना है, उसके ऊपर मैंने फुल वीडियो बना रखी है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आई बटन में भी लिंक मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा मेरे चैनल पर जाकर। तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ट्रेनिंग मोड में आप लोगों को जाना है, मतलब तो उसके लिए आप लोगों को पहले मोड में जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा मैप ट्रेनिंग मोड का। और उसके बाद कुछ सेटिंग्स जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही है, ये आप लोग ऑन कर लीजिएगा। जैसे पीक एंड फायर और आपका होल्ड एंड प्रेस वाला, ये आप लोग सेटिंग अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। बाकी मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि आप मेरा वाला लोगे तो आपको बेटर रहेगा। ये आप लोग सेटिंग वगैरह जो भी आप लोग दे सकते हो कर लेना, बाकी सब आपकी सेम ही रहनी चाहिए। जो मैं यहाँ पर सेटिंग चेंज कर रहा हूँ, आप लोग चाहो तो कर लेना, नहीं तो आपके हिसाब से करना हो या नहीं करना हो ये आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोगों को इसको की सेट करनी है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो सेलेक्ट में जाना है और ट्रेनिंग मोड आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। उससे पहले ट्रेनिंग मोड में जाने से पहले आपको दो काम करने हैं अपने, दो सेटिंग आपको की सेट करनी है। तो इसके लिए आपको जाना है यहाँ पर एरो पे और सेटिंग में जाना है, कंट्रोल्स कस्टमाइज में क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को जो भी कीज़ वगैरह सेट करनी है अपने हिसाब से, उसके लिए आप लोगों को सेटिंग करनी होती है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। कंट्रोल मतलब गेम कंट्रोल एक ऑप्शन होगा, इसमें जाना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा ओपन एडवांस एडिटर, इस पर आप लोगों को पर्सनली क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके तो मैं यहाँ पर पर्सनली भाई पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है स्मार्ट पे, देखो ये इस तरह का स्मार्ट होगा। आप लोग को यहाँ पर कंट्रोल स्कीम पे क्लिक कर 720 पिक्सल स्टैंडर्ड पे क्लिक कर देना, आपकी अच्छे सेटिंग हो जाएगी। ये वाली जो रहती है ना, ये मतलब थोड़ी सी स्मार्ट टाइप है, तो उसमें बहुत अच्छा ही लगता है। आप लोग 720p स्टैंड कर देना, सेव कर देना। इसके बाद आपको दो सेट करना है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना है। यहाँ पर आपको सेटिंग जो है ये रही एक दिख रही है, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे F1 दबाना अपने कीबोर्ड से, F1। और आपका जो यहाँ पर बीच में एक सेटिंग होती है ना, देखो यहाँ पे जहाँ पे F1 लिखा है, ये दबाना आप लोग सेंट्रल। अभी मैं बताऊँगा सेंट्रल का ये वर्क क्या क्या कर रहा है। अगर आप लोगों ने पहले से एमुलेटर खेला हो तो आपको बढ़िया लगेगा ये वाला सिस्टम, क्योंकि बहुत मुश्किल लगा मेरे को ढूंढने में, बट हो गया। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पर ट्रेनिंग मोड ओपन, तो फटाफट कर लेते हैं ओपन। और अभी जो आप लोगों के सामने जो कीज़ वगैरह दिखाई दे रही है ना, ये आप लोगों को दिखाई देंगी। देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये कीज़ हटाने का सिस्टम क्या है। यहाँ पर आपको ये गेम कंट्रोल में जाना है और देखो ऑप्टिमिटी लिख रखा ना, इसको देखो कम कर दोगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, बढ़ा दोगे तो दिखाई देगा। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं, पहली बार खेल रहे हैं एमुलेटर में, या आपको कीज़ वगैरह नहीं पता है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा डीम कर देना, मतलब हल्का सा आपको दिखाई देता है कौन कौन सी कीज़ क्या काम होता है। बाकी मैं तो यार प्रो हूँ, मतलब प्रो नहीं मतलब मैं खेल रहा हूँ, तो मेरे को सब कुछ पता है कौन सी की है। तो अभी मैं फुल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ अच्छे से, ठीक है। ओके अभी मैं बताता हूँ सेंट्रल का वर्क क्या होगा। देखो सेंट्रल जब मैं दबाऊंगा, देखो सेंट्रल दबाया तो मेरी एरो की गायब हो गई, आपको स्क्रीन से दिख रहा होगा। मैं एरो का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, जो भी मेरी एरो होती है। अभी सेंट्रल दबाऊंगा तो देखो एरो आ गया, सेंट्रल दबाते मेरा यहाँ पर एरो आ जाएगा। तो इसका इस्तेमाल आप लोग समझ, अगर आप लोगों ने पहले से खेल रखा है पबजी मोबाइल, या आप लोगों ने खेल रखा पबजी मोबाइल एमुलेटर के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से अभी मैं आपको कुछ सेटिंग बताता हूँ। देखो कुछ सेटिंग मतलब 70 या 80% जो सेटिंग है इसके अंदर वो डिफ़ॉल्ट है, मतलब आप लोगों को कुछ करना नहीं है चलने के लिए, पीक एंड फायर वगैरह का कुछ नहीं करना है। बट कुछ सेटिंग्स इसके अंदर ऐसे हैं जो कि आप लोगों को सेट करनी पड़ेंगी, वो डिफ़ॉल्ट नहीं है, मतलब वो आप लोगों को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लगेगा, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, गन्स की एक जो सेटिंग है वो यहाँ पर सेट नहीं है यार। तो उसके लिए आप लोग क्या करना है, सेंट्रल दबा के एरो ले आना है अपना, गेम कंट्रोल में जाना है, ओपन एडवांस एडिटर में क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो F ये जो लिखा हुआ ना, ये FGF, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो ये F इसको उठाओ, सबसे ऊपर जो आपकी गन दिख रही है ना येलो कलर की, इस पर ला के ऐसे रख दो। जी को उठाओ, इसके ऊपर ला के ऐसे रख दो, और वी को थोड़ा सा नीचे कर दो। और जो ग्रोजा दिख रही है आप लोगों को, इस पर क्लिक करो एक बार और यहाँ पे एच दबा दो। एफ से आपकी पहली गन, जी से सेकंड, और एच से ये वाली आप लोगों को सेटिंग कर लेनी है इस तरीके से, ठीक है। आपकी होगी सेटिंग नंबर ये 1। FPP के लिए और TPP के लिए जो कोई दिख रहा है, इस जो V दिख रहा है ना, V इसको उठा के लाना आपको इसके ऊपर, देखो यहाँ पर। ओके ये आप लोगों का यहाँ पर हो गया है, ये थोड़ा सा शायद यहाँ पे आप लोग कर सकते हो टेढ़ा मेढ़ा, वो अपने हिसाब से कर लेना। और यहाँ पर जो आपको जो माउस वाला मैंने आपको बताया ना सेंटर वाला, इस पर आपको इस पर ऐसे मतलब क्लिक करोगे कि साइड में, तो देखो ये एरो इस तरह से उठ सकती है, आप लोग देखो इस तरीके से एरो हिल सकती है वाली। तो इसको आप लोग को यहाँ पर लेकर आना है, या यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा इस जगह पे ले आना, ठीक है। और ये रहा,
यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर दूँ यार, यहाँ पे जो कीज़ है ना वो मिक्स हो जाती है, मिक्स इन द सेंस कि एफ़ दबाऊंगा ना तो दो तीन काम एक साथ होने लग जाएंगे, जी दबाऊंगा दो तीन काम एक साथ होने लग जाएंगे। तो उसके लिए मैं आप लोग को बताता हूँ क्या करना है। आप लोग को यार बार बार अपने मतलब ये जो भी गेम कंट्रोल है उसको ओपन करके एडवांस सेटिंग में कीज़ देखनी पड़ेगी भाई, कौन सी की से मेरा ये दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए आप लोग को लगभग लगभग आपका आधे से 1 घंटा लगने वाला है। तो ये बात आप लोग फिक्स कर लो भाई, आधे से 1 घंटा आप लोगों को कीज़ कंट्रोल में लगनी पड़ेगी, चाहे मेरी वीडियो देख लो चाहे मत देखो, आपको लगना ही लगना है। तो ये आप लोगों को सेट करना पड़ेगा पर्सनली अपने आप से खुद, जो मैं बता रहा हूँ इससे आपका 1-2 घंटा बच जाएगा, बाकी आप लोग को आधे घंटे तो देने पड़ेंगे इसी की कंट्रोल सेट करने के लिए पक्का ही। अब इसके बाद देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये रॉन्ग सा मतलब जो आपकी गन फंक रहा है इसको वापस करना, मतलब बैक कर लेना है। तो इसके लिए तो हम लोगों को कुछ करना नहीं है, और इसके लिए हम एरो पे क्लिक करके करेंगे भाई, हमारा बाकी कोई की हमको यहाँ पर सेट नहीं करनी। आप चाहो तो यहाँ पर कर लेना, जैसे कि बी बी कहीं यूज़ नहीं होता है तो इसके लिए बी यूज़ कर लो भाई। ओके अभी मैं इसको रॉन्ग करता हूँ और इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अब देखो हमारी की सब सेट हो गई है, अब मैं क्या करूँगा थोड़ा सा बैक करूँगा, सॉरी बैक नहीं, यहाँ पर मैं फुल स्क्रीन करूँगा इसको, सॉरी। ओके नाउ और बी दबाओ देखो इस तरह से, और ये अब हम यहाँ पर एफ़ दबाएंगे तो हमारी ये गन उठेगी भाई, जी उठाएंगे तो ग्रोजा, और एच दबाएंगे तो एस के एस, तो एस के एस उठ गई। ओके तो यहाँ पर M24 आनी चाहिए एच दबाने से। ओके तो हमारी की ये काम कर रही है। ओके बाकी आप लोग इसको एरो की मदद से भी यहाँ से इस तरीके से गन वगैरह जो भी बैकपैक है उसको यहाँ से उठा सकते हैं। ओके तो हमारे गन का जो काम है वो कम्प्लीटली हो गया मैक्सिमम। तो अब इसके बाद एक कार होती है, मतलब व्हीकल्स वगैरह का सेट होता है, तो मैं व्हीकल्स का आप लोगों को डायरेक्टली बता देता हूँ, नहीं तो उसके पास ही चलते हैं व्हीकल्स के पास सबसे पहले। तो और बाकी एम वगैरह के लिए तो आप लोगों को पता ही होगा यार कि माउस का जो लेफ्ट की हो सॉरी राइट की होता है माउस का, उससे आप लोग एम लेते हो, और यहाँ पर आप लोग जो है माउस की जो लेफ्ट की थी उससे हिट करते हो, ठीक है। ओके यहाँ पर क्लोज आना है, यहाँ पर आप लोग क्या करना है सेटिंग पे क्लिक कर, ओ सॉरी सेटिंग पे नहीं, यहाँ पर हम F11 से अपनी जो इसको है छोटा कर लेंगे स्क्रीन मिनिमाइज़। इसके बाद वही गेम सेटिंग में एडवांस एडिटर और ड्राइव पे यहाँ पर क्लिक करो, F दबा दो, G पे क्लिक करो और G दबा दो, ठीक है। ये आप लोगों का मैक्सिमम ऐसे काम हो गया है। इसके बाद एक एग्जिट का भी होता है, तो एग्जिट के लिए यार आप लोग ना पहले इसमें बैठ ही जाओ, अब एग्जिट का ऑप्शन आ गया है, तो एग्जिट के लिए हम एफ का सेट करते हैं। तो इसके लिए भाई ये रहा हमारा एफ, ये रहा सेट। ओके अब हमारा हो गया पूरी तरीके से सेट, और इसको मैं करता हूँ बड़ा। तो अब देखो एफ दबाओगे तो एग्जिट, एफ दबाओगे तो यहाँ पर एंटर, एफ दबाओगे तो एग्जिट, और बैठ जाओ, ठीक है। और इसके बाद हम गाड़ी को चलाने का हमको सेट करना पड़ेगा, गाड़ी के चलाने का सेट नहीं है, इसके लिए वही है सेंट्रल कस्टमाइज। तो यहाँ पर हम ब्रेक के लिए स्पेस, आगे गाड़ी आगे जाने के लिए W दबाएंगे, S इसमें ऑलरेडी फिक्स है, शिफ्ट दबाएंगे तो हमारी जो गाड़ी को बूस्ट मिल जाएगा थोड़ा सा, और राइट में जाने के लिए इधर मतलब जाने के लिए हम दबाएंगे अपना D, और F का आई थिंक मेरे को लगता है यहाँ पे कोई काम है तो मैं F यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और इसको यहाँ पर दबा देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सेट, और ये FG हटा दो, ओ सॉरी और ये मैंने क्यों हटा दिया यार, आई थिंक इसका मेरे को काम था G का यहाँ पर। ओके तो G का मेरे को काम था, ये हटाना मत आप लोग, ये रहा G। ओके तो बाकी हमारा मैक्सिमम काम हो चुका है सब कुछ, और सेव कर लेते हैं फटाफट। ओके तो अभी हम लोग जी से एफ से उतरेंगे और एफ से बैठ जाएंगे, अब हमारी गाड़ी देखिए चली जाएगी। अरे भैया, अरे यार ये पागल बंदे हैं, देख रहे हो भाई गाड़ी तोड़ दी यार, पागल बंदे भाई साहब, ऐसे पागल बंदे मिलेंगे ना दुनिया में, बेकार कर देंगे। अब देखो यहाँ पर ना कुछ मिसमैच हो रहे हैं, मतलब कि मिसमैच दिखा कर सकते हो कि मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा D दबा रहा हूँ तो देखो गन चल जा रही है D। तो यहाँ पर देखो ये रहा D से, तो इसको आपको सेट करना पड़ेगा यार, यहाँ पर आना पड़ेगा, इस D को यहाँ से हटा दो, कोई काम नहीं। डाउन का हमें भाई कोई काम नहीं, शिफ्ट का भाई हमें भी कोई काम नहीं, और इसका तो अपने को काम है, इस पर क्लिक करना है और यही। तो इसके लिए हम लोग एंट्री दबा देते हैं यार, ताकि एंटर से हम लोग गन वगैरह बाद में चला पाए अपना, बाकी तो इसमें सेट है पहले से ही। तो अभी हम चलते हैं ये देखो, ठीक है। तो यार यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाह रहा था कि आप लोग चीज़ कर सकते हो, कंट्रोल्स में जाने के बाद कस्टमाइज पे क्लिक करोगे ना, तो जो मैं आपको एक गन दिखा रहा था देखो, ये वाली जो गन थी इसको मैं जैसे बड़ा कर रखा था, तो आप लोग ना इसको एकदम छोटा कर देना, इसका जो बटन साइज है ना एकदम जीरो कर देना, और इसको जहाँ मर्जी हटा देना, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट वाली गन है देखो, ये वाली जो गन है हमारी, ये वाली गन ये सेट है, तो हमको इस वाली गन की कोई चिंता नहीं है। बिकॉज थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है जब आप लोग चलो वालोगे ना, तो आपको ये वाला गन थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए बता रहा था इसको आप लोग छोटा कर देना। और बाकी आप लोगों को जो भी कोई और की भी इसके अलावा अगर छोटा बोड़ा मतलब दिक्कत करे, कोई की वगैरह डिफॉल्ट में या इधर उधर कोई दिक्कत करे, तो सिंपली आप लोग उसको छोटा बड़ा उस की को कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग उसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, W से जाएंगे तो हम आगे पीछे, इसको फुल करता हूँ
ओके तो इस तरीके से जो आपका मिसमैच होगा ना कुछ कुछ, मतलब कुछ आपकी जो गंथ वगैरह हैं वो मिसमैच हो जाएंगी। तो यार उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा मतलब समझना पड़ेगा इस चीज़ को सिंपली, वो आप लोग देख लेना। कंट्रोल्स वगैरह मैंने आपको बता दिया है, आप लोग चेंज अपना कर लेना। और यहाँ तक मैक्सिमम मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया हो। कुछ डाउट्स है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे आप लोग सेटिंग में जाकर इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं, वो यार आप लोग अपना कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।